हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बना रहे हैं बहुत ही टेस्टी टमाटर और साबुत लाल मिर्च की चटनी। ये चटनी बहुत ही वर्सेटाइल है और हमें किसी भी तरह के स्नैक्स के साथ ये एंजॉय कर सकते हैं। इडली, डोसा और सांभर के साथ तो इसका टेस्ट बहुत ही अमेजिंग लगता है। और अब जैसे फेस्टिवल आने वाले हैं तो इस तरह की चटनी हमें ज़रूर बनाकर रखनी चाहिए। ये हमें काफ़ी काम आती है। तो इसे बनाने के लिए मैंने 7 से 8 साबुत लाल मिर्च को थोड़ा गर्म पानी में 2 से 3 घंटे के लिए भिगो कर रख दिया था, और साथ ही मैंने 2 साबुत लहसुन की कलियां अलग कर ली हैं, और मैंने काफ़ी सारा अदरक भी लिया है। तो अब हमें इन तीनों चीज़ों का मिक्सी में बारीक पेस्ट बनाना है। जो लाल मिर्च का पानी जो अलग हुआ है, इसे हम वेस्ट नहीं करेंगे। थोड़ा थोड़ा हम इसे ही इसमें ऐड करेंगे मिक्सी में और इसका बारीक पेस्ट बना लेंगे। तो पेस्ट बनकर बिल्कुल रेडी है, तो हमें इसकी कंसिस्टेंसी को इस तरह का ही रखना है। ज़्यादा पानी हम इसमें ऐड नहीं करेंगे। और साथ ही मैंने इधर 6 से 7 टमाटर ले लिए हैं, जिन्हें मैंने थोड़ा छोटे साइज़ में कट कर लिया है। इसका भी हम पेस्ट बनाकर रेडी कर लेंगे। और इधर मैंने 4 टेबल स्पून मस्टर्ड ऑयल को अच्छी तरह से हीट कर लिया है। थोड़े इसमें हमने खड़े मसाले ऐड करने हैं, जैसे कि 1/2 टेबल स्पून जीरा, 1/2 टेबल स्पून मेथी दाना, 1/2 टेबल स्पून सौंफ और 1/2 टेबल स्पून ही साबुत राई दाना। तो ऑयल इसमें प्रिजर्वेशन का काम करेगा और इसमें मसालों को फ्राई होने में और जो हमने पेस्ट रेडी किए हैं उसको भी भूनने में काफ़ी हेल्प करेगा। तो ऑयल डालने में आप कंजूसी ना करें, और अगर आप कलौंजी लाइक करते हैं तो वो भी आप इसमें डाल सकते थे। तो अब मसाले भुनने के बाद मैंने इसमें लाल मिर्च वाला पेस्ट इसमें ऐड कर दिया है। इसे अच्छी तरह से चलाते हुए भून लेंगे 5 मिनट तक। तो ये ऑलमोस्ट भुनकर तैयार हो गया है, और अब इस स्टेज पर ऐड करेंगे इसमें टमाटर का पेस्ट। जब तक इसमें बॉयल ना आए इसे लगातार चलाएंगे और बॉयल आने की वेट करेंगे। तो देखिए अब इसमें बॉयल आ चुका है, तो हमने इसे 5 मिनट ढककर पका लिया है। तो देखिए अब इसकी जो कंसिस्टेंसी है काफ़ी चेंज हो चुकी है, पहले से ये काफ़ी थिक हो गई है, लेकिन अभी ये रेडी नहीं हुई है। इसे अभी हम थोड़ा सा और पका लेंगे। और इस स्टेज पर मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 1.5 टेबल स्पून नमक, या आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ही इसमें ऐड करें। साथ ही इसमें ऐड करें हैं 3 से 4 टेबल स्पून विनेगर। विनेगर इसमें प्रिजर्वेशन में हेल्प करेगा और इसके टेस्ट को भी इन्हेंस करेगा। तो अब हमें इसे 5 मिनट तक और पकाना है। तो देखिए अब ये जो चटनी है बनकर बिल्कुल तैयार हो गई है, और अब ये पहले से काफ़ी थिक हो चुकी है। तो इसे हम पहले थोड़ा सा ठंडा करेंगे और इसे फिर सर्व करते हैं। तो देखिए हमारी लाल मिर्च और टमाटर की चटनी बनकर तैयार है, और ये खाने में बहुत ही टेस्टी लगती है। आप इसे ज़रूर एंजॉय करें और मुझे बताएं कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी, और इस रेसिपी को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।